राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और खूब धूमधाम से स्वागत कीजिए अपने लड्डू गोपाल का। तो आज सुबह के बजे मैं आज तो बनाई हूँ कढ़ी चावल। चावल उफाड़ रखी है चूल्हे पर और धो रही हूँ चावल। कपड़े भी धोकर डाल दिए हैं तार पे, तो नाज भी खोल दिया है, नाज सूखेगा। नाज झाड़ के साथ अच्छे से कपड़े में भर दूंगी और फिर करवाऊंगी इसका मैदा, जो कि हमें तोड़नी है सीन में। और लक्की कर रही है अपनी पेपर की तैयारी। तो लक्की का 8 तारीख का पेपर है। क्या लक्की? इंग्लिश का रहेगा, एक पेपर रहेगा ना? हाँ, बस लास्ट रहेगा। और अंशु को हो रहा है बुखार, अंशु का भी चेहरा उतरा सा हो रहा, मन भी नहीं लग रहा, क्योंकि स्कूल में जाए बिना तो मन नहीं लगता, पर घर पे भी मन नहीं लग रहा क्योंकि बुखार में आज की तरह खराब। और दोस्तों, लड्डू गोपाल तो बैठ गए हैं नहाकर। राधे राधे लड्डू गोपाल जी। तो ये हैं मावर बुरा जो खा रहे हैं लड्डू गोपाल जी। तो पालना, कान्हा जी का पालना भी हो गया है तैयार, क्योंकि है कल को जन्माष्टमी और झूला झूलेंगे लड्डू गोपाल जी। तो लड्डू गोपाल की तैयारी चल रही है। और ये बनाए हैं जोड़े, डेकोरेट करने बाकी रह गए हैं एक। जन्माष्टमी की तैयारी जम के चल रही है। तो दोस्तों, आप सब भी कीजिए और कीजिए स्वागत अपने लड्डू गोपाल का बड़े धूमधाम के साथ। तो बोलो मेरी साथ, जय जय माता दी, राधे राधे। चावल मेरे बन चुके हैं, तो निचोड़ कर रख दिए हैं चावल। तो चलते हैं बाहर। बाहर बना रही हूँ मैं कढ़ी। तो कढ़ी के लिए रख दिए चूल्हे पर कढ़ाई और गर्म हो गया है तेल। और ये है पकौड़ी का घोल, क्योंकि बनाऊँगी पकौड़ी। और ये है आलू कटे हैं जो मुझे कढ़ी में डालने हैं। और मेथी, हरी मिर्च, क्योंकि सूखी मिर्च तो दोस्तों है नहीं, क्योंकि ज़्यादा हरी का इस्तेमाल कर रहे हैं पापा की वजह से। और ये है प्याज। और ये है हमारी कढ़ी का बेसन घोल। तो बना रही हूँ कढ़ी। दोस्तों, खड़ी छोंक दिए है और धीरे धीरे चलाऊंगी इसे। चला कर जब लग जाएगा इसमें थकता, तो इसे अच्छे से ढक कर रख दूंगी। तो कढ़ी इतना कढ़ी पक्की रहेगी और बाकी का काम करूंगी, क्योंकि कढ़ी को पकने में टाइम लगता है। तो कढ़ी हमारी बन चुकी है और अब चलूंगी मैं नीचे, क्योंकि मुझे करकानी है भैंसों को सैननी। तो घास डालना शुरू कर दिया है खोर में। दो टोकरे सारों को गेरूंगी, दो गाय को, दो भैंस को और दो अपने झोटे को। और रितु गई है कॉलेज, तो आज मुझे घास भी करना पड़ेगा। दोस्तों, मुझे हो रहा है बुखार और करना तो पड़ेगा ही। और अब जब घास करके, यह है हमारी सन्नो, छोटी सी सन्नो। और अब मैं कर रही हूँ सन्नी गाय को, और इसके बाद सारा धोऊंगी। सारा पानी डाल दिया है तो पाइप हाथ में मेरे, एक हाथ में झाड़ू, और सारा धोकर साफ करके पीछे लूँगी छत पर। तो आली हूँ छत पे और लक्की कर रही है पढ़ाई। और किचन में अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ, क्योंकि कढ़ी और चावल बनाकर गई थी। अब रोटी बनाकर दे आऊँगी पापा जी को। रोटी देंगे मम्मी को, फिर थोड़ी देर आराम करूंगी, फिर थोड़ा नहीं मजा रहा। इधर भी ढेर लग रही है। रोटी खाली का खाली
माँ जी को हाल कर दिया जा। लड्डू गोपाल के जोड़े तो ये देखिए कितने जोड़े बना दिए, दो तीन तो मैंने अभी बना दिए हैं, काम बल्कि सारा बड़ा मेरा। तो लड्डू गोपाल के स्वागत के लिए बड़े बड़े, और एक ये मंगा ये बनाया है, आप देख सकते हैं कैसे गोल्डन ऐसे आदि गोपाल। अरे मगर दूंगी ऐसे ही नाड़ा गाते कैसा गाड़ी नाड़ा गाल ना तो कुछ नहीं। तो देख सकते दोस्तों ये बना है लड्डू गोपाल का जोड़ा और ये है कोटी, तो ऐसे बन जाएगा। तो कल को हम पहराए के दिखाएंगे, क्योंकि ये हैं दो सुत्ती जोड़े डाइवर्ट कर एक लक्की ले जा रही है सामान पुराना लड्डू गोपाल का। और वे कहाँ गए थी, वे रखे तीन चार जोड़े, देख सकते हैं हमने कितने जोड़े बना दिए लड्डू गोपाल के। तो हम शाम से लगे हुए हैं, ये है मोरनी जोड़ा से। नहीं कल तो मर गया, ये है मोरनी जोड़ा और एक ये रहा और एक ये, और ये बनाई है मैंने सुत्ती अभी ना फोटी होते इसकी फोटी लगा था सालन में ये अब जब गर्मी के जैसे। और ये है फैंसी जोड़ा लड्डू गोपाल का, तो लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारी में हम लगे पड़े। ये है कोटी जैसे पीछे बंधेगी देख सकते हैं, तो पांच जोड़े कर दिए मैंने तैयार। अरे शादी अब दो लड़की बनाओगे। तो दोस्तों ये अनाज है लावा, तो मैंने जो कल से धोया था वो अनाज धरा चाकी पे, और इसे मुझे दोबारा से झाड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें उछड़ गया है सुर सुर, काफ़ी दिनों का अनाज हो गया है धुलावा, तो दोबारा से झाड़ के जब रखूँगी। और अभी मेरे पास झाड़ने का टाइम नहीं है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा पड़ा है, कपड़े लग गए मौसम खराब, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल के थोड़े बनाने में लग रही हूँ, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। देखिए